ये सवाल है दहशतगर्दी आईएसआईएस और इस किस्म के जो हमारे यहाँ अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो दहशतगर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है, इसका बायस ये है। और इसमें चार चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है, वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो चार चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफर होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टसी यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है, पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं, मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है, जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफर है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक आप इस मजहबी फिक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबले में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद